नमस्कार। इफ यू कुड इफ समवन कुड रेस्पॉन्ड आई थिंक आई कैन स्टार्ट द सेशन। आई जस्ट नीड हायर फ्रॉम समवन एल्स इन द ग्रुप। It's going live now. Yes, sir. Okay, shall we start? Yes, sir, we can start. Okay, तो नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सभी और आपके परिवार के लिए सुख स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। मैं सर्वप्रथम आप लोगों को 6th इंटरनेशनल योग डे की बधाई देता हूं और निरोग स्ट्रीट की समस्त टीम मैनेजमेंट और विशेष रूप से डॉक्टर पूजा कोहली जी का सादर धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने इस सत्र का आयोजन किया। और क्योंकि आज संपूर्ण जगत में COVID-19 की वजह से पूरी तरह से एक संकट का काल है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो चाहे वो लोगों के स्वास्थ्य का मामला हो, हर जगह हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि पूरा जो दुनिया है, पूरा जो विश्व है, बड़ी मुश्किलों के दौर से जूझ रहा है। और ऐसे दौर में हालांकि हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर आयुर्वेद और योग सदियों से हमारे जीवन का आधार रहा है, उसका अभिन्न अंग रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आयुर्वेद और योग की महत्वता बहुत बढ़ जाती है और इसी पद्धति के सहारे, इन्हीं चिकित्सा प्रणालियों के सहारे हम कोरोना जैसे वायरस से भी लड़ सकते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं। यही वक्त है कि हम पुरातन पद्धतियों की ओर चलें, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं, योग और आयुर्वेद को अपने घरों में अपनाएं, अपने दिलों में जगह दें और उसके जो कंज्यूमर हैं, इसके विपरीत जितनी भी पैथी हैं, जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां हैं, उनका जो कंज्यूमर है घर घर में है। और बड़े दुख की बात है कि हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है या प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसके लोगों का जो काफी अभाव देखा गया है। हम हमेशा इसी के लिए प्रयासरत हैं कि आयुर्वेद और योग जो है जन जन तक पहुंचे, क्योंकि इसमें असीम संभावनाएं हैं, इसमें रोगों से लड़ने की असीम क्षमताएं हैं और ये रूट कॉज में जाकर के हमारा इलाज करता है, हमारी स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। आज कोरोना के संकट काल में हमने ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आगे आने वाली जो लड़ाई है वो हमें इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ही लड़नी होगी। इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में बेहतर सुधार करने होंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर्यावरण के साथ सामंजस्य भी बैठाना होगा। हम देख रहे हैं कि आजकल वैकल्पिक चिकित्सा की लोकप्रियता पुनः बढ़ रही है, चाहे यूरोप के देश हों, वेस्टर्न कंट्रीज हों, पाश्चात्य देश हों या ईस्टर्न या अफ्रीका के देश हों, हर जगह इन पद्धतियों को जीवन में अपनाया जा रहा है। लोग बहुत सारे सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से इन चीजों पर बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, तो इनकी लोकप्रियता निस्संदेह रूप से बढ़ी है कोरोना काल में। और लोग इस विचार के प्रति भी बहुत जागरूक हो रहे हैं कि दवाओं के बिना बीमारियों को कैसे रोका जाए। हालांकि रोगों के निदान और उपचार में आयुर्वेदा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, मगर ये भी सच है कि दवाओं के बिना कोई भविष्य नहीं होगा, लेकिन हमें
दवा रहित उपचार और निदान, या हमें अपने जीवन शैली के द्वारा अपनी शरीर के इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो यही है कि योग और आयुर्वेद की जो डाइट या उनकी जो प्रणाली है उसके द्वारा हम अपने इम्यून सिस्टम को, अर्थात हमारे शरीर की जो एंटीबायोटिक कैपेसिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हम उसका कैसे विकास करते हैं। डाइट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो आयुर्वेद में हर्ब और डाइट का बहुत बड़ा रोल है, और पंचकर्मा है जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इसी तरह से योग में प्राणायाम और क्रियाएं हैं जिनके द्वारा इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस सत्र में आप देखेंगे कि जिनका योग का नियमित अभ्यास करने से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ अपने परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी आप मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि ये इम्यूनिटी होती क्या है और योग इस पर कैसे कार्य करता है। योग की जो क्रियाएं हैं, योग में जो आसन है, योग में जो प्राणायाम है, योग में जो बहुत सारी ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन या षटकर्मास हैं, उनको हम कैसे अपनी जिंदगी में अपनाएं और इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इम्यूनिटी जो होती है वो तीन तरह से कार्य करती है। तीन तरह की इम्यूनिटी हम कह सकते हैं। एक इम्यूनिटी होती है जो जन्मजात होती है। हालांकि इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है और जो ऊतकों और अंगों का एक विशाल नेटवर्क है जो शरीर को रोगाणु, वायरस, सूक्ष्म जीवियों से बचाव करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हानिकारक सूक्ष्म जीवियों और वायरस के संक्रमण को रोकने का कार्य करती है। जैसे जैसे हमारे शरीर में वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या डिफेंस मैकेनिज्म है वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, इसमें प्राणायाम आपके शरीर मानसिक तनाव में सुधार ला करके, क्योंकि देखा गया है कि जब हम तनाव में होते हैं, जब हम बहुत सारा स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, फर्स्ट्रेट होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, तो एक कार्टिसोल नाम का द्रव्य पैदा होता है और जिसकी वजह से हमारी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का बनना कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने इम्यूनिटी के ऊपर भी काफी कार्य कर सकते हैं। अध्ययन या रिसर्च या स्टडीज बताती हैं कि जब हम योग क्रियाएं करते हैं, आयुर्वेद को जीवन में अपनाते हैं, तो उनसे क्या क्या चीजें सामने आई हैं। जो रिसर्च में कार्टिसोल का स्तर का कम होना है, जैसे रक्तचाप का सामान्य होना है, या व्हाइट ब्लड सेल्स का जो इंक्रीज देखा गया है, या धमनियों के रक्त प्रवाह में जो सुधार आता है, शारीरिक और मानसिक क्षमता में जो कमी होती है, ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा सा स्ट्रेंथन होता है, एक्टिवेट होता है, धीमी और गहरी सांस लेने से PSNS यानी कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। तो ये तीन तरह की जो इम्यूनिटी है, पहली इम्यूनिटी है जो जिसे हम जन्मजात कहते हैं, इनहेरिट, ये हमें बाई बर्थ मिलती है, ये हमें जीन से मिलती है, हमारे DNA में होती है और ये पैदा नहीं की जा सकती। शरीर में वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण को तुरंत इमीडिएट रोकने के लिए जो इम्यूनिटी कार्य करती है उसे हम इनहेरिट इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम सहज प्रतिरक्षा प्रणाली भी मान सकते हैं। इसमें हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है जो शरीर को हाइड्रेट रखती है, पेट में एसिड्स का बनना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आंसुओं का बनना, लार का बनना, बलगम का बनना, और उनके साथ साथ रक्त प्रवाह में कोशिकाओं का समन्वय, ये सारी चीजें हैं। ये सुरक्षा जो है जन्मजात है और हम इसके साथ ही पैदा होते हैं। ये कोशिकाएं रोग पैदा करने वाले ये जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवी हैं, विषाणु हैं, उनका भक्षण करती है, उनको खाती हैं ये कोशिकाएं और हमारे शरीर को सबसे बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म देती हैं।
जिस तरह से हम अपनी सरहद पे पूरा फेंसिंग करते हैं जिससे कि बाहर का दुश्मन हमारी सीमा के अंदर ना आ पाए, इसी तरह से ये हमारी पहली डिफेंस सेल है, पहली डिफेंस डिवीजन है, इननेट इम्यूनिटी। तो इसको तो नहीं बढ़ा सकते हम लोग, ये जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। लेकिन दो तरह की और इम्यूनिटी होती है जिसे हम एडॉप्टिव कहते हैं और एक्वायर्ड कहते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये आपके डिफेंस की दूसरी लेयर है। इसे हम ऐसा कहें कि जैसे सेना की डिप्लॉयमेंट आपके बॉर्डर पर कर दी गई हो और वो सेना जो है उन दुश्मनों का पता लगाए और उनको वहीं शूट आउट करे, तो इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। जब कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये नेचुरल किलर सेल्स हमारे बी सेल्स और टी सेल्स मिलकर के कार्य करते हैं और उन वायरस को ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके उनको वहां पर खत्म करते हैं और फिर उनको मेमोरी में स्कैन करते हैं और फिर उसका एक ऑटो इम्यून बॉडी तैयार करते हैं। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म दूसरी तरह का है, एडॉप्टिव, जिसे हम बाहर से लेते हैं, तैयार करते हैं। अभी हमें प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है तो वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है जिससे हम ऑटो इम्यून या बॉडी को बना सकते हैं, ऑटो बॉडी को, ऑटो सेल्स को प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से करते हैं। लेकिन तीसरी जो इम्यूनिटी है सबसे महत्वपूर्ण है, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह इस प्रकार की एक प्रतिरक्षा प्रणाली है जैसे कि ये जन्म के जात हम एक्वायर्ड करते हैं बाहर से, वैक्सीन लगाना हो गया इसमें, या बच्चे अपनी माँ का स्तनपान करते हैं तो उससे जो इम्यूनिटी मिलती है, या हम जो लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, हम अपने जीवन में किस प्रकार की भोजन और जीवन शैली को अपनाते हैं, ये इम्यूनिटी उससे बढ़ती है। तो ये हमारा डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, हमारा व्यायाम, हमारे हर्ब्स और हमारी दिनचर्या के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन जीते हैं, और वही इम्यूनिटी हमें स्ट्रेंथन करती है। इसमें कई तरह की चीजें होती हैं जैसे वैक्सीनेशन है, योग व्यायाम, आयुर्वेदा, हर्ब, उचित आहार और आदर्श जीवन शैली है। तो इस इम्यूनिटी को योग और आयुर्वेद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आज हम योग में कुछ इस तरह के अभ्यास करने वाले हैं कि जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, बूस्ट करेंगे। वैसे तो 2005 से लेकर के 2019 तक, सिंस 2005 टू 2019, देर हैव बीन लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड लॉट्स ऑफ जर्नल्स हैव बीन पब्लिश्ड इन दिस रिगार्ड दैट हाउ वी कैन स्ट्रेंथन और बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम। तो इसमें तनाव ऑटो इम्यून रोग को सक्रिय करने के लिए एक ट्रिगर का कार्य करता है और इसमें कार्टिसोल नाम का जो तनाव है, हार्मोन है, वो तनाव को बढ़ा देता है। और इसमें बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि जिससे कि हमारे शरीर के ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स का जो है, या हमारे अंदर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, खराब नींद है, हार्मोन्स का असंतुलन है, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टडीज क्या बताती हैं, स्टडीज बताती हैं कि जब हम बहुत धीरे धीरे एक डिसिप्लिन में लंबे समय के लिए क्रमबद्ध तरीके से, मतलब द मोस्ट सिस्टमेटिकली, द मोस्ट रिदमिकली प्रोलोंग करते हुए ब्रीदिंग लेते हैं, तो ऐसे में होता क्या है, जब लंबी गहरी और क्रमबद्ध तरीके से श्वास को लेते हैं तो ऐसे में बहुत सारे जो हमारे तनाव को पैदा करने वाले घटक हैं वो कम हो जाते हैं, उनमें कमी पाई गई और नेचुरल किलर सेल्स बढ़ जाती हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाने के लिए और शरीर के ऑटो इम्यून सिस्टम को या हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए प्राणायाम सबसे कारगर एक उपाय है। और ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं, ऐसे सारी बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम करके, तो आज हम उनका भी कुछ अभ्यास करेंगे कि वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ रिसर्च ऐसी भी आई 2005 से लेकर के 2019 तक, कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं, ये भी दावा करती हैं कि कैंसर के मरीजों पर अध्ययन के परिणामों से पता चला कि
कि नियमित रूप से सांस लेने में प्रतिरक्षा जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको बढ़ावा मिला है, उनकी ग्रोथ हुई है, उनकी इंक्रीज हुआ है, जो आगे चल करके कैंसर के रोगियों को मदद करती हैं। ऐसे ही माइंडफुल और वॉलेंट्री ब्रीदिंग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे हेमिस्फीयर में, हमारे जो लोब्स हैं उनके अंदर कार्य करती हैं और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। ऐसे ही तनाव को नियंत्रण रखना आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, एक जगह कोट किया है, चले बाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, अर्थात कि जब जब आपका मन बहुत अशांत रहता है तो आपकी श्वास को भी अशांत कर देता है। तो मन को शांत करने के लिए श्वास को हम स्थिर करें, नॉर्मलाइज करें, जितना हो सके तो ब्रीदिंग रेट को नॉर्मल रेट पे ले आए, तो उससे हम अपने स्ट्रेस और तनाव को कम कर सकते हैं। ऐसे ही जो लोग पैरासिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर काम करना चाहते हैं या उनके ऊपर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, इन सारी चीजों में यही देखा गया। तो आप ये देखें, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देने जा रहा हूँ। बिफोर वी स्टार्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायाम एंड योगा, आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल एंड हाउ दे लिव अ वेरी गुड लाइफ स्पान, कि उनका जो जीवन है उनकी, क्योंकि एक टेक्स्ट है भेरंट संहिता, उसमें लिखा है कि यावंतो जीव जंतुवा तावंतो आसना, अर्थात जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं। तो हर जीव जंतु का जो लाइफ स्पान है, उनकी जो उम्र है, वो उनके हिसाब से है। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, यावंतो तो जीव जंतुवा तावंतो श्वसनम, इसका मतलब ये है कि जितने जीव जंतु हैं उनका श्वास लेने का, उनका ब्रीदिंग का पैटर्न सबसे अलग है। हर जीव का ब्रीदिंग का पैटर्न अलग होता है, हर जीव का जो रेशियो होता है 1 मिनट में श्वास लेने का, वो सबसे भिन्न होता है। जैसे रैबिट है, एक जो खरगोश है, खरगोश 1 मिनट में 35 से 40 बार श्वास लेता है और 30 to 40 times ब्रीथ इन इन अ मिनट एंड देन द लाइफ ही लिव फॉर 8 to 10 years। एक खरगोश 35 से 40 बार श्वसन लेता है 1 मिनट में और उसका जो जीवन होता है वो 8 से 10 साल अप्रोक्सीमेटली होता है। हॉर्स, एक जो हॉर्स होता है वो 1 मिनट में 25 से 30 श्वासें लेता है और उसका जो जीवन होता है 20 से 25 साल होता है। ऐसे ही एक जो इंसान होता है, अ ह्यूमन, एक आदमी औसतन 15 से 18 श्वासें लेता है 1 मिनट के अंदर और वो 90 से 100 साल जीता है। एक एलिफेंट, एक जो एलिफेंट होता है, एक हाथी 6 से 7 श्वास लेता है 1 मिनट में और वो 150 से 200 साल जीता है। इसी तरह से एक जो टर्टल होता है, एक जो कछुआ होता है, वो 1 मिनट में 5 से 6 बार श्वास लेता है और उसका जीवन 300 to 400 ईयर होता है। तो ये इम्यून सिस्टम या हमारी लाइफ स्पान का श्वसन से क्या संबंध है, ये हमारे जीवन को भी बताते हैं कि अगर हम अपने श्वसन के ऊपर थोड़ा सा अभ्यास करें, हमारे इनवॉलेंट्री सिस्टम को वॉलेंट्री बनाना सीख जाए। बाई नेचर अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए इनवॉलेंट्री सिस्टम, बट थ्रू प्राणायाम, थ्रू योगिक ब्रीदिंग, वी मेक इट वॉलेंट्री। ये ऐसा इनवॉलेंट्री सिस्टम है कि जो हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम लेटे हुए हैं, हम गा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, इट इज ऑलवेज फंक्शनिंग इनवॉलेंट्रीली। बट वेन वी डू प्राणायाम वी मेक इट वॉलेंट्री। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इस सिस्टम को वॉलेंट्री बनाते हैं और जब हम वॉलेंट्री बनाते हैं तो हमारे सांसों के रेशियो के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है और जैसे जैसे हमारा जो सांसों का
आना जाना है, सांसों का जो चढ़ना और उतरना है वो धीरे धीरे लंबा होता चला जाए, डिसिप्लिन में आता चला जाए, यही तो सिखाता है हमें योग। योग तो हमारे, क्योंकि पहला जो सूत्र है योग का वो यही है, अथ योगा अनुशासनम, मीन्स नाउ योगा बिगेन्स एज अ डिसिप्लिन, एंड दिस डिसिप्लिन इज फॉर व्हाट, दिस डिसिप्लिन इज फॉर योर बॉडी, दिस डिसिप्लिन फॉर योर माइंड, एंड दिस डिसिप्लिन फॉर योर ब्रीदिंग। अगर हमारी शरीर डिसिप्लिन में रहे, अगर हमारा मन डिसिप्लिन में रहे, अगर हमारी सांसें डिसिप्लिन में रहे, तो सोचो कि आपको बीमारी हो सकती है। अगर आपकी सारी चीजें, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके हेमिस्फीयर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका कार्डियक वास्कुलर सिस्टम, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, आपके हार्मोनल, ये सारी चीजें अगर आपने डिसिप्लिन में कर ली, तो योग और आयुर्वेद में होता क्या है। आयुर्वेद का भी थ्योरी वात पित्त कफ तीन के ऊपर डिपेंड है, और योगा का भी थ्योरी सत्व रजस और तमस, ये तीन क्वालिटीज, तीन गुण के ऊपर पूरा बेस्ड है, और ये तीनों लगभग मोर और लेस सेम है। अगर इनका इम्बेलेंस कहीं होता है जीवन में, तो वो चीजें शरीर और मन को एक तरह से बीमार करती हैं, और इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं, यही अभ्यास करने वाले हैं। तो इम्यून सिस्टम के लिए सबसे बेहतर प्राणायाम कौन से है, सबसे बेस्ट ब्रीदिंग कौन सी है, तो वो हम बात करेंगे, और उसका हम अभ्यास भी करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ तैयार हैं, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा एक इंटरैक्ट ब्रीदिंग के साथ हो, एक इंटरैक्ट प्रैक्टिस के साथ हो, जो हम कह रहे हैं वो हम करके भी देखें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैठे बैठे हम कर सकते हैं, तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्यू ब्रीदिंग दैट इफेक्ट्स ऑन अवर इम्यून और इम्यून सिस्टम और रेजिस्टेंस और द एंटीबायोटिक कैपेसिटी ऑफ अवर बॉडी। तो सबसे पहले जो ब्रीदिंग है, सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, इसे कई जगह, कई टेक्स्ट में और कई जगह कई बुक्स में, रेफरेंसेस में इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा गया है। थोड़ा सा डिफरेंसेस ये है कि इसका रेशियो कई जगह अलग अलग है, कहीं 1:42 का करते हैं, 10 सेकेंड में श्वास लेते हैं, 40 सेकेंड रोकते हैं और 20 सेकेंड में रिलीज करते हैं, और कई जगह 1:2 का ही करते हैं, 10 सेकेंड में लिया 20 सेकेंड में छोड़ा, और कई जगह 1:1 का भी करते हैं, 10 सेकेंड में श्वास को लिया और 10 सेकेंड में श्वास को छोड़ दिया। तो ये जो प्राणायाम है बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, और ये हमारे जो एनर्जी ट्रैक्स हैं जिनके अंदर एनर्जी फ्लो होती है, हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं और वो प्राण के प्रवाह को कैरी करती हैं, और जब हम इनके अंदर फ्रीक्वेंटली उस एनर्जी के लेवल को हमारे सातों चक्रों के माध्यम से, एड़ा पिंगला या हमारी जो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी है या हमारी जो लेफ्ट और राइट नॉस्टिल है, उसके थ्रू जब प्राण के प्रवाह को, फोर्स ऑफ लाइफ को, वाइटल फोर्स को, या हम लाइफ फोर्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पर एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। देखें कि ये किस तरीके से कार्य करता है। तो अनुलोम विलोम, हमेशा याद रखें कि जब भी प्राणायाम करें, रीढ़ की हड्डी को, यानी कि स्पाइनल कॉलम हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट और इरेक्ट, हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्राणायाम करो, बिकॉज ऑल द इम्पल्सेस, ऑल द एक्सपीरियंसेस विच यू रिसीव, ऑल द एनर्जी विच इज मूविंग, इट मूव्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, एंड अगर वहां कर्व आ गया तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर योर एनर्जी इनटू डिफरेंट एरा। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर कमेंसिंग एनी प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायाम, यू आर रिक्वायर्ड टू कीप योर स्पाइनल कॉलम वेरी वेरी स्ट्रेट। तो रीढ़ की हड्डी को या स्पाइनल कॉलम को या मेरुदंड को बहुत सीधा रखना आवश्यक है। तो हम ऐसे बैठे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, और देखें राइट हैंड को ही हमेशा इस्तेमाल करें, यूज योर राइट हैंड फॉर डूइंग प्राणायाम, लेफ्ट साइड को बिल्कुल यूज ना करें, डूज एंड डोंट। सो यूज योर राइट हैंड, इधर हमारा हर्ट होता है, हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं, हमारा जो चेस्ट है, उनके ऊपर किसी तरह का ओवर ड्यू स्ट्रेन नहीं डालना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम।
लेफ्ट हैंड रिमेन लाइक दिस इज कॉल्ड चिन मुद्रा। तो चिन मुद्रा में और ऐसे करें तो वो ज्ञान मुद्रा होती है। ज्ञान मीन्स यू आर गिविंग नॉलेज टू समवन। लाइक हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारे देव हैं वो इस तरह की सिंबॉलिक गेस्चर में रहते हैं। व्हेन यू आर रिसीविंग द नॉलेज ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस। सो दिस प्लेस द रिस्ट हैज टू बी प्लेस्ड ऑन योर नी एंड द बैक हैज टू बी स्ट्रेट एंड देन यू परफॉर्म अ प्राणायाम मुद्रा। कहा ये रूट ऑफ द थंब, यहाँ एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो क्या करें कि इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को बिल्कुल रूट से लगा दें इस तरीके से। इज इट विजिबल? आप देख सकते हैं इसको? तो इसको ऐसे लगाएं और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को श्वास लेना है तो राइट को हमें क्लोज करना है। तो बैक स्ट्रेट दिस रिस्ट ऑन योर नी आईज क्लोज एंड देन क्या करना है लेफ्ट से श्वास को भरना है। तो इधर हम बिगिनर्स लेवल पे रेशियो रखते हैं 1:1, यानी कि 10 सेकंड में श्वास को लें। और याद रखें जिससे श्वास लेते हैं उससे कभी छोड़ते नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर कि जिससे श्वास लेते हैं उससे कभी छोड़ते नहीं है। अनुलोम विलोम के लिए दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अनुलोम विलोम। ठीक है? तो व्हेन यू ब्रीथ स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड यू हैव 10 सेकंड फॉर इनहेलेशन एंड यू कीप योर स्पाइनल कॉलम वेरी स्ट्रेट एंड कीप योर मसल्स वेरी काम एंड क्वाइट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर प्राणायाम। करें इसको मेरे साथ। हमने ये मुद्रा बना ली प्राणायाम की। यहाँ कुछ पॉइंट हैं एक्यूप्रेशर के जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और यहीं से हम राइट नोस्टिल को क्लोज करते हैं, आंखें बंद करते हैं और 10 सेकंड में लेफ्ट से श्वास को भरते हैं। कैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और राइट से छोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से फिर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से छोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक राउंड हो गया। अभी हम एक राउंड और करते हैं। लेफ्ट से लें 10 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से छोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और राइट से लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लेफ्ट से छोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा आप लोगों ने हमने क्या किया? हमने किया लेफ्ट से 10 सेकंड में श्वास को भरा और पूरा भरा। वी हैव टू फिल अवर लंग्स विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मेक श्योर कि जब भी श्वास लें, क्योंकि आप एक अनैच्छिक श्वसन को ऐच्छिक बना रहे हो, एक इनवॉलेंट्री सिस्टम को वॉलेंट्री बना रहे हो। सो देयर फोर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्राई टू फिल योर लंग्स विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और हमने लेफ्ट से श्वास को लिया और राइट से छोड़ा। फिर हमने राइट से लिया उतना ही अमाउंट और लेफ्ट से छोड़ा, और लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ना है और राइट से लेकर के फिर लेफ्ट से छोड़ना है। तो ये एक वन राउंड हो गया। तो आप 20 राउंड्स एवरीडे करें, कम से कम 3 से 5 मिनट इसका अभ्यास को बढ़ाएं। तो स्टार्टिंग 3 मिनट से करें और इसे 5 मिनट तक ले जाएं। सुबह खाली पेट करें, ओपन योर विंडो, लेट द फ्रेश एयर कम एंड मेक श्योर योर स्टमक एंड योर ब्लैडर आर बोथ एम्प्टी। तो जब आपके स्टमक और ब्लैडर खाली हो, आपका मन बिल्कुल शांत हो, बॉडी रिलैक्स ले चुकी हो, फ्रेश एयर आ रही हो, तब आप इस प्राणायाम को करें। और ये नॉट ओनली फॉर योर लंग्स, नॉट ओनली फॉर द स्ट्रेस, नॉट ओनली फॉर द ब्लड प्रेशर, इट विल वर्क ऑन योर इम्यून सिस्टम एज वेल। तो ये प्राणायाम मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और दूसरे प्राणायाम पे आते हैं। दूसरा प्राणायाम है
जिसे हमें करना है वो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, क्योंकि जैसा हम लोगों ने पहले बातचीत की थी कि स्ट्रेस के समय जब हम बहुत सारे तनाव में होते हैं, और ये जो कोविड-19 का जो फेज है, 19 में स्टार्ट हुआ और 20 तक ये चल रहा है, इस फेज में तनाव बहुत ज्यादा है, अनिश्चितताओं का दौर है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है क्या होगा आगे, किस तरीके से चीजें रन करेंगी, किस तरीके से हालात सामान्य होंगे, तो ऐसे में तनाव का होना स्वाभाविक है। और इस तनाव में होता क्या है, तनाव में हमारा शरीर कार्टिसोल नाम का जो द्रव्य पैदा करता है, और जिसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स का बनना कम होता है, तो भ्रामरी ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, हमारे उस कार्टिसोल के जो लेवल को पैदा होने से रोकेगा। तो भ्रामरी एक ऐसा है जिसे एंटी स्ट्रेस भी कहते हैं, ये हमिंग साउंड है, इसमें आवाज के द्वारा, इसमें ध्वनि के द्वारा, ध्वनि से उत्पन्न वाइब्रेशंस के द्वारा हीलिंग की जाती है। तो देखें कि वो हीलिंग वाली आवाज कौन सी होती है, मोस्टली आजकल जो प्रैक्टिस में है बहुत सरल तरीका है, उसमें लोग हमिंग कराते हैं, हमिंग साउंड बस बिठा देते हैं और कान बंद करा देते हैं और कहते हैं हमिंग करो। तो मैं, वो एक सरल तरीका है जो बिगिनर्स हैं जो उसको टेक्निकली सही नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भ्रामरी तो ठीक है, मगर जो लोग भ्रामरी को ठीक से करना चाहते हैं, टेक्निकली करेक्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सही भ्रामरी करने का तरीका क्या है, तो मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ, उस प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, उस साधना की बात कर रहा हूँ। तो उसको कैसे करें, देखें एक जो प्रचलन का तरीका है जिसका बहुत कम आजकल ज्यादा लोग करा रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन उसका उस तरीके से नहीं मिलता, तो वो प्राणायाम देखें कैसे करते हैं। एक नॉर्मल तरीका ब्राह्मणी का जो प्रचलन में है, युदली, उसको पहले देख लें, फिर मैं एक जो ट्रेडिशनल है टेक्स्ट का जो प्राणायाम है वो आपको ब्राह्मणी करके दिखाऊंगा। तो नॉर्मल तरीका ये है कि ईयर जो फ्लैप्स हैं, लोब्स हैं, उनको थंब के साथ बंद किया और आंखों को बंद कर लिया और पूरा श्वास भर लिया और फिर ये है एक बहुत ही सरल और साधारण तरीका भ्रामरी करने का। लेकिन टेक्स्ट क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारा जो योग का लिटरेचर है, स्क्रिप्चर्स है, वो क्या कहते हैं, जरा एक नजर उनके ऊपर भी डाल लेते हैं। और ये जो प्राणायाम है यहाँ से किया जाता है, जहाँ आपका ये वोकल कॉर्ड है या एपिग्लोटिस या हमारा जो ये सेंटर ऑफ द थ्रोट है, ये वहां से किया जाता है। और कैसे देखें, जब हम एयर को सक करना सीखते हैं, कैसे यहां से आवाज आनी चाहिए, हमिंग साउंड में तो केवल एक आवाज का प्रोडक्शन है और यहां से वो आवाज सक करते हैं, देखें ये आवाज आई ना, ऐसी आवाज आनी है, लेकिन इसको प्रलोंग करना है, इसको रिदम में लाना है ना, और आई ऐसे इसको करेंगे तो धीरे धीरे करके इसके ऊपर एक अनुशासन आ जाएगा, डिसिप्लिन में आ जाएगी, और जिस दिन ये डिसिप्लिन में आ गई आप भ्रामरी के मास्टर हो जाएंगे और भ्रामरी करने का तरीका आपको पता पड़ जाएगा। ये भ्रामरी प्राणायाम उन सारी चीजों के लिए तो अच्छा है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी कार्य करता है जिनकी आवाज में खराश रहता है, मिठास नहीं है, और जिनको थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो ये उनके ऊपर भी प्रभाव डालता है। देखें कैसे करना है, यहां से स्टार्ट करें, है ना, तो मैं करके दिखाता हूँ, देखिएगा, आराम से बैठना है, हाथ बिल्कुल ऐसे करके नीज के ऊपर, तो
आंखें बंद करके और केवल साउंड के ऊपर ध्यान दें। मैं देखें साउंड के ऊपर कैसे ध्यान देना है। लेते समय भी और छोड़ते समय भी भौंरे जैसी आवाज आनी चाहिए, भ्रमर, इसीलिए इसको भ्रामरी कहा जाता है। और ये प्राणायाम भी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है, ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च, शोध या स्टडीज बताती है। तो ये रहा भ्रामरी, और इसके भी कम से कम 20 राउंड करें। इनिशियली स्टेज पर बस छोटा सा एक मूल मंत्र को समझ लें कि यहां से आप आवाज को शक करना सीख जाए, कैसे है ना। यहां से आवाज आएगी। तो ये था भ्रामरी। नेक्स्ट प्राणायाम की जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्राणायाम है उज्जयी। अच्छा, उज्जयी प्राणायाम भी जिस तरह से एक आसन है वज्रासन, जिसे हम खाने के बाद कर सकते हैं, है ना, तो वो इसी तरीके से उज्जयी प्राणायाम भी एक ऐसा प्राणायाम है। जितने सारे प्राणायाम हैं वो आप किसी मेडिटेटिव पोज में ही करते हो, उज्जयी एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसे लेट के किया जा सकता है। और स्टडीज बताती हैं कि ये एंटी स्ट्रेस प्राणायाम है, ये तनाव को कम करने के लिए, इंसोमिया और जिनको खर्राटे आते हो उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा प्राणायाम है। तो इस प्राणायाम को कैसे करना चाहिए, देखें कि यहां से श्वास आना है और व्हीजिंग साउंड, हिसिंग साउंड, जिस तरह से सांप की जो फुसकार होती है उस तरह की जो आवाज होती है, तो आंखें बंद करके देखें, वही एक मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में बैठें, इन हाथों को ऐसा करें और धीरे 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 पूरा श्वास को भरते चले जाएं। कैसे, श्वास का स्पर्श गले में अनुभव करें और उसी फ्लो के साथ, उसी रेशियो के साथ श्वास को एक्सहेल करें। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है, तो भरें श्वास को, जी इसके भी 20 राउंड करें, कम से कम 20 राउंड इसके करें। ये है उज्जयी प्राणायाम। पहला प्राणायाम था अनुलोम विलोम, और दूसरा प्राणायाम था हमारा भ्रामरी, और तीसरा प्राणायाम है उज्जयी। अब एक क्रिया जिसे हम भस्त्रिका कहते हैं, भस्त्रिका, भस्त्रिका का मतलब है फोर्सफुल एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन मतलब कॉन्स्टेंटली यू आर थ्रोइंग CO2 आउट फ्रॉम द बॉडी एंड बॉडी रिमेन इमोबाइल, मतलब आपका शरीर जो है, आपका जो शरीर है बिल्कुल स्थिर रहे,
और लगातार लगातार एक ही फ्लो में फोर्स के साथ आप CO2 को बाहर फेंकें, और जब आप CO2 को एक झटके के साथ, एक फोर्स के साथ, एक प्रेशर के साथ बाहर फेंकेंगे, तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो पूरी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। वो तो ये टॉक्सिन्स को भी दूर करेगा, बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन भी करेगा, तीन चीज पे काम करता है। दिस इज अ वन ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ द योगा क्लींसिंग, योगा डिटॉक्स। कपालभाति इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ योगा क्लींसिंग। ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स तो निकालती है, प्यूरिफाई भी करती है, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन भी करती है। तो इम्यून सिस्टम के लिए कपालभाति के तीन पैटर्न हैं। एक है सरल अभ्यास क्रम, दूसरा है मध्यम अभ्यास क्रम, और तीसरा है उच्चतम अभ्यास क्रम। तो सरल वाला उन लोगों के लिए है जिन लोगों को किसी तरह के कोई इंजुरीज हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं, बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, ग्लूकोमा है, वर्टिगो है, और सीवियर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो लोग जो हैं इसको सरल क्रम में करें, अर्थात 1 मिनट में 40 स्ट्रोक। तो वो मैं सरल क्रम में आपको करके दिखा दूंगा। और एक है मध्यम क्रम, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, वो लोग मध्यम क्रम से शुरू करें, 1 मिनट में 80 स्ट्रोक्स करें। और जो लोग जानकार हैं और इसे करते रहते हैं, वो 1 मिनट में इसके 120 स्ट्रोक्स करें। तो ये इसके तीन फेजेस हैं, सरल, मध्यम और एडवांस लेवल पे कपालभाति को करना। तो मैं सरल तरीका जो इसका है वो आपको दिखा देता हूं। हाथ ऐसे ही रहेंगे हमारे नीज के ऊपर, पीठ सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी। ध्यान रहे कि आप एक झटके में आप CO2 को बाहर फेंक रहे हो। सो हाउ योर बॉडी रिमेन वेरी इमोबाइल, बॉडी बिल्कुल स्टडी रहे, सीधी रहे, स्ट्रेट रहे, इसके लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन, फोर्सफुल एक्सेलरेशन फ्रॉम द बोथ नॉस्टिल। ये सरल है, 1 मिनट में 40 है। मैं आपको 20 स्ट्रोक्स लगा के दिखाता हूं आपको 30 सेकेंड्स के अंदर। सो ये उनके लिए है, दोज हु हैव सम कॉन्ट्राइंडिकेशन। सी देखें, ये हमने 1 मिनट में 30 सेकेंड में 20 टाइम्स एक्सेल किया है, फोर्सफुली CO2 को बाहर फेंका है। तो इसी तरीके से इससे थोड़ा फास्ट हम 30 सेकेंड में 40 फेंकेंगे, और ऐसे ही 30 सेकेंड में 80 फेंकेंगे। तो उसकी स्पीड को अपने कंफर्ट के हिसाब से आप बढ़ाते चले जाएं। तो ये तीन इसके वो हैं। और अब चलते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि योगा के साथ साथ और क्या करना है। एक सूर्य नमस्कार जरूर करें। सूर्य नमस्कार आपके शरीर को तैयार करता है, आपके मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, जॉइंट्स की मोबाइलिटी बढ़ाता है। तो जब आप प्राणायाम करें उससे पहले कम से कम 4 से 8 राउंड जो है सूर्य नमस्कार के करें, और 3 से 5 मिनट शवासन में पूरा रिलैक्स करें, उसके बाद प्राणायाम करें। और कुछ ऐसी चीजें चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि और क्या चीज है जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। उसमें देखिएगा कि इम्यून सिस्टम हमारा लो क्यों होता है। ये ईश्वर ने जिस किसी कंपनी से कोई ब्रांडेड चीज आती है तो उसकी गारंटी होती है। तो ईश्वर भी
हमारे शरीर में वो सारी चीजें डाल के देते हैं, हमें भेजते हैं, लेकिन हमारी गलत आदतें, हमारी गलत जीवन शैली, गलत दिनचर्या जो है हमारे उस प्रोडक्ट को खराब कर देती है। तो वो कौन कौन सी आदतें हैं, देखिएगा, देर रात काम करने की आदत छोड़ दीजिए। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को, क्योंकि जिस वक्त शरीर को, सेल्स को रिपेयर करने का जो टाइम नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी जब रेस्ट लेती है तो बहुत सारी चीजें उसमें कार्य करती हैं। आपकी इम्यूनिटी उसके ऊपर काफी चीजें निर्भर हैं कि देर रात तक काम करने की जो आदत है उसको आप बदल जाएंगे हमेशा। और दूसरा जो कारण है वो है खराब नींद। लोग अपनी नींद खराब कर लेते हैं। लोग अपनी नींद खराब कैसे करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मुझे क्वालिटी में नींद चाहिए, यानी कि 8 घंटे चाहिए, और 8 घंटे नहीं आई तो मन के अंदर एक थॉट बना लेते हैं कि मैं 8 घंटे नहीं सोया हूं, मैं 7 घंटे नहीं सोया हूं, 6 घंटे नहीं सोया हूं, इसका मतलब ये है कि मैं आज फ्रेश नहीं हूं, मैं आज मूड में नहीं रहूंगा। नहीं, ये गलत अवधारणा है। अगर क्वालिटी स्लीप पर आप जाएंगे, अगर आपको 8 घंटे नींद आई हो ना आई हो कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 घंटे अगर आपको ऐसी नींद आ जाए कि आप जैसे घोड़े बेच करके सोए, तो वो 2 घंटे की नींद आपके शरीर में वो सारी प्रक्रियाओं को सुधार देगी। सो ऑलवेज थिंक अबाउट क्वालिटी स्लीप रादर क्वांटिटी स्लीप, इस चीज का भी आप एक विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरा है चीनी का सेवन, शुगर, व्हाइट शुगर, व्हाइट मैदा और साल्ट, ये तीन जो व्हाइट हैं इनका उपयोग आप कम करें। हमारे शरीर में पचाने के लिए, इन्हें पचाने के लिए, इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अगला एक कारण है ड्रग्स, शराब, टुबैको और धूम्रपान, ये भी इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। ये सारी चीजें जो आपके साथ चर्चा में आ रही हैं, वो सारी की सारी जो है इम्यून सिस्टम को लेकर है। अगला जो एक और आदत है, जंक फूड, बाहर का खाना, मसालेदार खाना और समय अनुकूल न खाना, यानी कि जो समय में, जो सीजन में जो चीजें हैं उनको छोड़ करके बाहर का पैक बंद, डब्बा बंद, ये सारे जो खाने हम मंगाते हैं, खाते हैं, स्वाद तलाशते हैं, तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। एक और कारण है कम पानी की खपत। हमारे शरीर में कितना पानी और हमारे शरीर को पानी की कितनी जरूरत है, उसके ऊपर जरूर ध्यान दें क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पानी का जो बॉडी को मिलना चाहिए, जितना अमाउंट, कितना परसेंटेज, कम से कम गर्मियों में तो 4.5 से 5.5 लीटर पानी हर स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए, पीना चाहिए। तो इतना पानी की जो है मांग, आपूर्ति शरीर को अवश्य दें। अगला है फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम होती चली जा रही है, मेंटल एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके द्वारा हम बिना कुछ किए थक जाते हैं, बिना कुछ किए हम स्ट्रेस हो जाते हैं, बिना कुछ किए हम परेशान हो जाते हैं। तो थकान, लिथार्जिक, डलनेस, टायर्डनेस, फटीग और डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस, ये सारी चीजें जो हैं लेस लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से हैं। तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, तो उनको जरूर शामिल करें अपनी दिनचर्या में, कुछ ऐसी चीजों को जरूर शामिल करें। अब आते हैं कि आहार में क्या लें। आयुर्वेदा आहार के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर सबसे बेहतरीन जो विज्ञान है हमारे देश का, हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में इतने सारे प्राकृतिक वनस्पतिक औषधियों का विवरण है कि हर
एक बीमारी के लिए, हर एक उपचार के लिए इतनी सारी चीजें, इतनी सारी विधियां, इतने सारे सोपान हैं, आप उनके ऊपर जाएं। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपने घरों में रखें और अपने दिनचर्या में शामिल करें। जैसे आंवला है, आंवला इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी सिट्रिक फूड हैं, जितने भी इस तरह के पदार्थ हैं, उनका आप भोजन में जरूर शामिल करें। काली मिर्च है, हल्दी है, नीम है, अदरक है, लहसुन है, गिलोय है, तो इन चीजों को भी आप अपने दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। और हफ्ते में या हफ्ते में 2 बार कम से कम ध्यान जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करने से मानसिक जो शांति है, तनाव है, वो कम होगा और शांति बढ़ेगी, जिसमें शरीर, मन, आत्मा को एक साथ ला करके आप जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। योग का केंद्र बिंदु ध्यान और श्वसन क्रिया है, जो मानव मन को स्थिर कर शांति प्रदान करता है। ध्यान का अभ्यास जो है आपके तनाव और चिंता को कम करने में मदद करेगा और व्यक्ति के और सभी लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ नकारात्मक विचारों से मुक्ति करेगा। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने दिमाग को सिर्फ एक ही विचार के ऊपर केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेन करते हैं। और ध्यान करने के लिए कुछ टिप्स हैं, उनको थोड़ा सा आप और अपने जीवन में अपनाएं कि वो टिप्स कौन कौन से हैं जिससे आप ध्यान की तरफ अपने आप को मोड़ सकते हैं। और जिस दिन आपका मन, आपका चेतना, आपका ध्यान लग गया, समझ लीजिएगा कि आप अपने आप में एक नए अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। तो कभी भी जब ध्यान करना हो तो आराम की स्थिति में सहज होकर के अपनी आंखों को बंद करें और सांसों के ऊपर धीरे धीरे ध्यान देना आरंभ करें। आरंभ में, शुरुआत में, बिगिनिंग में जब आप करते हैं, आप अपनी सांसों के ऊपर चलते चले, आप अपने सांसों के साथ ट्रेवल करना सीख लें, सांसों के साथ उतरना और चढ़ना सीख लें। जैसे जैसे सांस ऊपर आए, आपका मन, आपके विचार, आपकी चेतना भी ऊपर आए और नीचे आए। तो इस ऊपर नीचे ऑब्जर्वेशन को कम से कम 5 से 7 मिनट तक ऑब्जर्व करें और उसके बाद ट्रू कॉन्सियसनेस या प्योर कॉन्सियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाएं। और ये जो है, आप एक दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं और कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, फर्श पे बैठ के भी कर सकते हैं, और जहां आपको अच्छा लगे वहां आंखें बंद करके ध्यान में आप कभी भी आ सकते हैं। बस यही है कि जब आप ध्यान करें तो पूरी चेतना, आपकी आंखें, आपके कान, आपके नाक, सारे सेंसेशन एक डायरेक्शन में, वन वे हो जाए। तो आपका जो ध्यान कर रहे हैं उसी का रूप, उसी का स्वरूप, उसी के शब्द, उसी की अनुभव, उसी की अनुभूति। और जब, जैसे ध्यान बहुत ही सरल है, ऐसे है जैसे कि आप एक कप चाय पी रहे हो और चाय पीते पीते भी आप ध्यान कर सकते हैं। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जब चाय का कप हाथ में हो तो पहले तो कप के ऊपर ध्यान, और कप के जैसे ही होठों से लगाएं तो उसके अंदर उस चाय का पहला घूंट जाए, और पहला घूंट आपके मन को जब ये संदेश देने लगे कि इसमें चाय का भी स्वाद है, इसमें चीनी का भी स्वाद है, इसमें दूध का भी स्वाद है, इसमें अदरक का भी स्वाद है, इसमें पानी का भी स्वाद है, इसमें गर्माहट भी है, और जब ये अलग अलग अनुभव आपके मन में एक ही कंपोनेंट के पहुंचने लगे, तो सोचो कि आप ध्यान से चाय पी रहे। तो ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है कि आप अवेयर हो करके, आप साक्षी हो करके, आप उसके साथ कनेक्ट हो करके ट्रेवल करने लगो। तो ध्यान किस तरीके से है, तो ये सारी चीजें हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएंगी, और जो चीजें आपको बताई गई हैं अगर आप उनका पालन करते हैं तो निसंदेह रूप से आप
अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकते हैं और आप अपने शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बना सकते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई डिस्कशन हो, तो आई थिंक फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। डॉक्टर पूजा जी, आप, जी सर, एक सवाल है। जी मुझे लगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा हटके था, विषय अलग था। और सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। जी, एक क्वेश्चन है। जी अभिषेक जी ने पूछा है, जी हाउ कैन वी यूज योगा टू स्ट्रेंथन आवर लंग्स? लंग्स के लिए, लंग्स? हाँ जी, लंग्स के लिए हमेशा देखो, याद रखें कि जितने भी आसन है पोस्चर के ऊपर, पहला पहला वर्कआउट पोस्चर के साथ करें, तो जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स हैं, जहां आपके इंटरकोस्टल मसल्स, क्लेविकुलर मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स एक्सपेंड होते हैं, रिमेम्बर ऑल द पोस्चर विच गिव्स मोर प्रेशर ऑन योर क्लेविकुलर इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल्स, वो वाले आसन करें। अर्थात पीछे झुकने वाले आसन, जैसे उष्ट्रासन है, जैसे बैकवर्ड बेंडिंग चक्रासन है, भुजंगासन है, सर्पासन है, धनुरासन है, ये आसन करें दो दो तीन तीन बार, 20-20 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एक कपालभाति को ऐड करें और भस्त्रिका को करें। ये चार आसन और ये दो प्राणायाम की टेक्निक अगर आप ठीक से करते हैं, तो आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो याद रखें कि वही आसन करें जो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करें, स्पेशली द चेस्ट रीजन, क्लेविकुलर एंड द इंटरकोस्टल पे सबसे ज्यादा फोकस करके करना है, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जी, और कोई सवाल? जी सर, तो मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूंगा, डॉक्टर डॉक्टर। आलोक कुमार का है कि मन जी, भटकता है तो कंसंट्रेशन के लिए क्या किया जाएगा? कंसंट्रेशन के लिए जब, अगर आपको लगता है इनिशियल स्टेज पे हैं, बहुत बहुत अर्ली स्टेज पे हैं, तो उसके लिए एक सबसे पहले ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत त्राटक से करें या कोई ऑब्जेक्ट बना के घर के अंदर, वहां से कंसंट्रेशन को डेवलप करें। कंसंट्रेशन बिल्कुल इस तरीके से है, जिसे हम अगर एक गाय को खूंटे से बांध दें, तो गाय जो है उस खूंटे के जो रस्सी की लंबाई है उससे बाहर नहीं जाएगी। तो आपका दिमाग में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट दे दें, जैसे कि लैंप के ऊपर कंसंट्रेट करना है, तो उस लाइट के अलावा आपका मन अगर कहीं बाहर नहीं जाता है, तब तो आप कंसंट्रेट हो। अगर आपका मन उस लाइट को छोड़ करके और कहीं चला गया, तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट के साथ करें, फिर आप इंटरनल ऑब्जेक्ट यानी कि एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ करना है, फिर उसी ऑब्जेक्ट को आप इंटरनली ऑब्जर्व करें, सेंटर ऑफ द आईब्रो के ऊपर ध्यान दे करके करें, तो इससे कंसंट्रेशन आपका बेटर हो जाएगा। और कंसंट्रेशन के लिए कम से कम 15 मिनट का समय जरूर निकालें, और ऐसी स्थिति में बैठें जो आरामदायक हो और आप 15 मिनट बैठ पाए, नहीं तो आपका शरीर ही आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देगा। सो मेक श्योर दैट योर सिटिंग इज वेरी कंफर्टेबल एंड यू आर वेरी फोकस्ड एंड डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू आर डूइंग कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वी आर सिटिंग इन कॉन्सेंट्रेशन विद लॉट्स ऑफ मेमोरीज, सो माइंड विल रन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, सो यू हैव टू विथड्रॉ योर माइंड फ्रॉम द आउटवर्ल्ड एंड यू हैव टू मेक योर माइंड मोर इंट्रोस्पेक्टिव, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द प्योर कॉन्सियसनेस, देन ओनली द कॉन्सेंट्रेशन वुड बी बेटर। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम देश बंध चित्तस्य धारणा, जहां आप एक सीमा पर, एक बिंदु पर अपने चेतना को बांधना शुरू कर दोगे, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी धारणा वहां स्थिर हो जाएगी। और ये सबसे सरल तरीका है, बिल्कुल निर्विकल्प निर्मग्न होकर के बैठें, और जब आप कॉन्सेंट्रेशन करना चाहें तो सिर्फ वो 15 मिनट आप अपने आप को दें, और ये सोच के बैठे कि इस 15 मिनट में मैं ना कोई एक्टिविटी करने वाला हूँ और ना मेरा और किसी चीज से लगाव है, दैट 15 मिनट्स हैज टू बी डेडिकेटेडली स्पेंड ऑन यू।
देन यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन। जी जी सर, दो चार सवाल और हैं, मैं ले लूं क्या? हाँ अच्छा हाँ ले लीजिए, क्योंकि मेरा एक जेएनयू में अभी एक और है, लास्ट आई दो क्वेश्चन ले दैट लेते इज हैं। 4:30 से शुरू होगा, तो मेरे पास समय है, ले लीजिए। अच्छा ठीक है सर, एक पूछ रहे हैं कि वेरिकोज वेन के लिए योगा में क्या कर सकते हैं, वेरिकोज वेन के लिए? जी वेरिकोज वेन्स के लिए योगा में जितने भी जमीन से ऊपर, ग्रेविटी से ऊपर उठने वाले जो पोस्चर्स हैं वो करें। उत्तान पादासन सबसे बेस्ट आसन है वेरिकोज वेन्स के लिए। खड़े होने वाले आसन बिल्कुल ना करें। ग्रेविटी के साथ जैसे अर्धहलासन, हलासन, टॉप चर्वी पोज, विपरीत करनी, सर्वांगासन, और रात को सोते समय कम से कम एक थिक पिलो जो है पैरों के नीचे रखें 2 घंटे तक, ये जरूर करें। और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़े। इन चीजों का थोड़ा प्रिकॉशन के साथ करें, और हल्का हल्का सा आयुर्वेद में तो आप जानते हो कि वो पंचकर्मा और थोड़ा स्वेदन वगैरह भी कराएं तो उससे बहुत फायदा मिलता है। आयुर्वेदा तो वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा है, और योगा में सबसे अच्छा यही है कि पैरों को जमीन से 60 से 90 अंश की डिग्री तक उठा के रखें, और ऐसे सारे आसन करें, और ग्रेविटी के साथ करें, कम ग्रेविटी में न करें आसन, नहीं तो पूरे ब्लड का प्रेशर, ब्लड का सर्कुलेशन जो है पैरों की तरफ जाएगा। तो देयर फोर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू डू ओनली द पोस्चर ऑन योर स्पाइन, ऑन योर स्टमक, एंड यू कैन डू फ्यू पोस्चर्स इन सिटिंग। जी सर, अगला सवाल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के लिए कौन से योगासन कर सकते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके लिए पहली बात तो ये है कि आप गर्दन को, नेक को आगे झुकाने वाला कोई भी व्यायाम न करें इनिशियली, जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और देख लें वो वर्टिब्रा कौन सा है, C2 C3 में ज्यादा रहता है अक्सर, जो देखने में आया स्टडीज में। तो सर्पासन है, ब्रह्म मुद्रा है, योग मुद्रा है, और नेक, जैसे ब्रह्म मुद्रा को 3 डायरेक्शन में नेक को ले जाते हैं, पीछे में लेके आए, लेफ्ट में 20 सेकंड होल्ड करके रखें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, फिर राइट साइड में होल्ड करके रखें 20 सेकंड विद नॉर्मल ब्रीदिंग, देन बैकवर्ड होल्ड करके रखें। इसके बाद कम से कम त्रियक भुजंगासन करें 3 से 5 राउंड पेट के ऊपर लेट करके, ट्रायंगुलर कोबरा पोज, एंड दैट विल स्ट्रेंथनिंग द सर्वाइकल रीजन, ऑल द मसल्स विद द नेक एंड द शोल्डर, शोल्डर ब्लेड्स एंड द थोरोसिक वर्टिब्रास। तो सर्वाइकल से लेके थोरोसिक वर्टिब्रास को, एंड देन स्लोली स्लोली ये शोल्डर रोटेशन भी स्टार्ट करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे करें, और वॉल के साथ फिंगर वॉक करें, हाथों को ट्रैक्शन दें, खिंचाव दें, वो सारे आसन करें जिसमें शोल्डर और स्पाइनल कॉलम में स्ट्रेचिंग होती है। सो दिस पोस्चर वर्क्स वेरी वेल, एंड शाम को सोते समय स्पॉन्जी मैट्रेसेस को यूज न करें, और पिलो अगर हो सके तो बहुत पतला हो, नहीं तो हार्ड सरफेस को ही यूज करें, हैवी वेट को कैरी करना छोड़ दें, सर्वाइकल अपने आप खत्म हो जाएगा। सिस्टम के साथ काम करते हैं तो अपने हाथ को बहुत दूर न ले जाएं, कोशिश करें आपका माउस आपकी एल्बो आपके शरीर के साथ रहे, जितना एल्बो दूर जाएगी सर्वाइकल मसल के ऊपर प्रेशर कंप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो मेक श्योर योर एल्बोज रिमेन वेरी क्लोज टू द बॉडी व्हाइल यू वर्क विद द सिस्टम। जी काइंडली एडवाइज योगा फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, आज मैंने आपको एक भ्रामरी करके दिखाया था, और भ्रामरी प्राणायाम हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद जालंधर बंद का अभ्यास जरूर करें, जालंधर बंद इस अ चिन लॉक, और चिन लॉक में आप हमिंग साउंड का प्रोनाउंसिएशन करें, तो ये जो है बहुत अच्छा व्यायाम है। बहुत सारे रिसर्च स्टडीज हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर सबमिट हुआ था, उसमें ये बताया गया है कि जब आप चिनलॉक के साथ हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हो इट स्टिमुलेट द थायरॉइड ग्लैंड, सो इट इज वेरी गुड। और कोशिश करें अगर हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो सर्वांगासन भी किया जा सकता है, और उसके साथ साथ हलासन भी किया जा सकता है।
सर नेक्स्ट जी क्वेश्चन, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए कौन सा योगा और मेडिटेशन करना चाहिए? डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के लिए हमें वो आसन करने चाहिए जो सबसे ज्यादा हमारे पेंक्रियाज को टोनअप करते हो। तो पेंक्रियाज एक नॉर्मली एक ऐसा ऑर्गन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये उसके लिए हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा ट्विस्टिंग वाले पोस्चर्स करें 90 डिग्री पर, लोअर एब्डोमेन, पेंक्रियास और लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन को वो 90 डिग्री पर रख करके लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करें। साथ ही साथ एक उत्तान पादासन के 3 राउंड उसके साथ और जोड़ दें। तो दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रेशर एंड विल सप्लाई मैक्सिमम अमाउंट ब्लड टुवर्ड्स द पेंक्रियास रीजन एंड इट विल हेल्प यू। साथ ही साथ डाइट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। हमेशा याद रखें डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट ए डिजीज। डिजीज को तो बना दिया गया है। आप अपने जिंदगी के सारी चीजों को अगर ठीक से डिसिप्लिन में ले आएंगे तो डायबिटीज विल बी ऑटोमेटिकली मेंटेन। आयुर्वेदा यही कहता है, खान पान और जीवन शैली, आहार विहार आचार विचार, इनसे आप डायबिटीज को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। जी सर एक वैद्य हरजीत ने पूछा है कि COVID-19 की ट्रीटमेंट के बाद हम पेशेंट को कौन सा योगा सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, COVID-19 के बाद पेशेंट का सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके मानसिक स्थिति में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, क्योंकि जिसको COVID-19 हुआ होता है उसका मन के अंदर कुछ और चल रहा होता है। वो एक उस चीज को निकालने के लिए उसको एक योग निद्रा 15 मिनट की जरूर दी जाए। 15 मिनट की योग निद्रा उसके हेमिस्फीयर, उसके लोब्स के अंदर एक बहुत अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ उसकी पल्स रेट, उसकी हार्ट बीट, उसका मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करेगी। और उसके साथ साथ उनको स्पाइनल स्ट्रेचिंग ज्यादा दी जाए, जिसमें एब्डोमन और चेस्ट रीजन, इंटरकोस्टल एब्डोमिनल और आपके क्लेविकुलर मसल्स को ट्विस्ट करने वाले सारे योगा पोस्टर्स कराए जा सकते हैं आफ्टर और पोस्ट COVID-19 जो इन्फेक्शन, जिनको इन्फेक्टेड हुआ है या डायग्नोस हुआ है। ब्रीदिंग प्ले अ वेरी वाइटल रोल। हमेशा याद रखें कि कम से कम 10 मिनट का ब्रीदिंग, 15 मिनट की ट्विस्टिंग और 10 मिनट का रिलैक्सेशन वुड बी आइडियली परफेक्ट फॉर द पर्सन दोज हु हैव अंडरगॉन थ्रू COVID-19। यस सर, स्ट्रेस का आपने एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जैसे आजकल की सामान्य लाइफ में डिप्रेशन स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए उसके लिए पेशेंट्स को? देखो, स्ट्रेस स्वाभाविक है। हम लोगों के पास जितना भी नॉलेज है, हमारा नॉलेज ही हमारे लिए स्ट्रेस है। और वही कहते हैं ना, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं कि जितनी बड़ी चुनौती होगी उतने ही बड़े अवसर तलाशने की हमें संभावना मिलती है। तो जितना बड़ा स्ट्रेस हो, आप उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली हैंडल करना सीखें। स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा। आज COVID-19 है तो उसका स्ट्रेस है, कल और दूसरी चीज होगी उसका स्ट्रेस होगा। हर फेज में स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि निगेटिव स्ट्रेस कितना है, पॉजिटिव कितना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ब्रीदिंग को वो करें, हम ब्रीदिंग के साथ हम ट्रेवल करना सीख जाएं। ब्रीदिंग के साथ अगर हम बॉडी को, मसल्स को, जॉइंट्स को, मन को, वृत्तियों को रिलैक्स करना सीख जाएं, ब्रीदिंग की पावर को हम अगर ठीक से समझना सीख जाएं, क्योंकि चले बाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। जब हम क्रोध में होते हैं, हम गुस्सा में होते हैं, अवसाद में होते हैं, तनाव में होते हैं, हमारी ब्रीदिंग उसी समय डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमेशा जब भी स्ट्रेस में हो, आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर 10 मिनट दीजिएगा और फिर देखिएगा कि स्ट्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर व्हेन एवर यू फील यू आर स्ट्रेस, यू ट्राई टू नॉर्मलाइज योर ब्रीथ एंड जस्ट गो विद द ब्रीदिंग फॉर 15 मिनट्स टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ इनकमिंग एंड आउट गोइंग एंड जस्ट मेक इट वेरी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग देन लेटर ऑन एंड इट विल कंट्रोल ऑल द स्ट्रेस लेवल। और उसके लिए साइक्लिक मेडिटेशन जरूर करें। साइक्लिक मेडिटेशन है कि आप 3 पोस्चर खड़े होकर करें और फिर 3 मिनट के लिए लेट जाएं, फिर 3 मिनट खड़े हो जाएं, पोस्चर करें, फिर 3 मिनट लेट जाएं।
तो ये 3 बार करने से आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और बैलेंसिंग पॉस्चर को और ऐड करें, क्योंकि जब आप बैलेंस में होते हैं तो आपके मन में थॉट नहीं आएंगे। सो स्ट्रेस इज अ कॉज बाय द थॉट्स व्हिच अपीयर्स ऑन योर मेंटल सरफेस एंड यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू डिसअपीयर दीज थॉट्स व्हिच आर अपीयरिंग विदाउट योर परमिशन। दैट्स यस। सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर बैक बैक पेन के लिए योगासन बताएं, स्लिप डिस्क के केस में लोअर बैक एक है। अच्छा, स्लिप डिस्क है, कॉक्सिस है, या सेक्रल रीजन में, लंबर रीजन में? स्लिप डिस्क प्रियंका तनवर जी का ये सवाल था। जी, तो स्लिप डिस्क में एक सेतुबंध आसन है और एक है भुजंगासन। ये दो आसन के कम से कम तीन तीन सेट करें, और उसके साथ पवन मुक्त आसन को जोड़ें। लेकिन याद रखें कि पवन मुक्त आसन में सिर को नहीं उठाना है, दोनों नीज को पेट के तरफ ला करके पुल करना है, और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 20 सेकेंड मेंटेन करना है, और हार्ड सरफेस पे करें इसको। तो ये स्लिप डिस्क में काफी इमीडिएटली रिलीफ देगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेन रहता है, स्लिप डिस्क का पेन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो उन लोगों के लिए, लेकिन दे हैव टू अवॉइड ऑल जर्किंग एंड फोर्सफुल मूवमेंट्स टू द बॉडी। हमेशा याद रखें कि कोई भी काम जर्क और फोर्स के साथ कभी ना करें, जिनको स्लिप डिस्क हुआ हो। यस, सर लास्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए कौन सा आसन किया जाए? हाई ब्लड प्रेशर, द वन ऑफ द बेस्ट योगिक इज ब्रीदिंग एंड योग निद्रा। जिनको अगर हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो उन लोगों को सबसे महत्वपूर्ण है कि चंद्र वेदन प्राणायाम करें, और उसके साथ साथ शीतकारी टीथ से, जहां सलाइवा आता है, हमारे हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, उस सलाइवा से एयर को शक करें, और उस कोल्ड एयर के सेंसेशन को बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हुए कम से कम 10 से 15 श्वास लें, और ऐसा ही हम लेफ्ट नोस्टिल से श्वास लें। लेफ्ट नोस्टिल बिलोंग टू द मून एंड राइट बिलोंग टू द सन। तो लेफ्ट नोस्टिल हमारे बॉडी के अंदर शीतलता का प्रवेश, और हमारे लोब्स के अंदर और ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 10-10 मिनट का ये दोनों प्राणायाम करें, और उसके बाद 15 मिनट जो है योग निद्रा करें, और पूरे शरीर को ग्रेविटी के साथ, कोशिश ये करें, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, दे हैव टू लिव विद द ग्रेविटी। अगर आप ग्रेविटी के साथ जाएंगे तो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे। सो देयर फोर यू हैव टू कोलैप्स योर बॉडी वेट विद द ग्रेविटेशनल फोर्स एंटायरली। यू हैव टू सरेंडर योर बॉडी टू द ग्रेविटी, देन इमीडिएटली विल फाइंड योर ब्लड सर्कुलेशन, योर हार्ट बीट, योर पल्स रेट विल बिकम वेरी नॉर्मल, और कुछ ही मिनट्स के अंदर आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, बिल्कुल नॉर्मल होता चला आएगा, और हाइपरटेंशन की समस्या से भी लंबे समय में आप छुटकारा पा लेंगे। हॉट ड्रिंक्स जो है वो बंद कर दें, जिन लोगों को, तीखे ड्रिंक्स बंद कर दें, और टोबैको एल्कोहल बिल्कुल न लें जब तक हाइपरटेंशन है, तब तक। जी जी सर कंक्लूड करें अभी। थैंक तो थैंक यू डॉक्टर यू पूजा सर। कोहली जी, एंड आई शुड ऑल्सो थैंक्स टू निरोग स्ट्रीट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप कि जो कुछ भी यहाँ चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, यू ऑल लाइक, और फिर कभी हम इसी पोर्टल पे मिलेंगे, और ये बहुत अच्छा समय है कि हम लोग योग और आयुर्वेद की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला जो जीवन है योग आयुर्वेद के ऊपर ही आधारित होगा, और हमारे देश, हमारी सरकारें और सारे देश के लोग जो हैं योग और आयुर्वेद की प्रचार में, प्रसार में, और उनकी बारीकियों लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट टाइम, और मैं सभी लोगों के सुख, उत्तम स्वास्थ्य और मंगल कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और इस COVID-19 में अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत, बहुत प्रणाम। निरोग स्ट्रीट और डॉक्टर पूजा कोहली जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू विल सी यू आचार्य नेक्स्ट जी, टाइम। थैंक यू वेरी मच। ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक थैंक यू। यू।